हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.7 क्लास सेकंड ईयर का हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 उसका ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, जो कि हम हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन मुझे इजी लगे इस एक्सरसाइज के। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम हल करेंगे जहाँ पर हमें गिवन है कि डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द एफ। एफ हमारा फंक्शन है, एज टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इन केस ऑफ एफ इज़ गिवन। हर जगह पे फंक्शन हमें गिवन है, उसकी हमने लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू है 2t² माइनस में 2t प्लस में 1, और अपान है हमारा टी प्लस में 4, t² प्लस में 4। अगर मैं यहाँ पे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे इन्फिनिटी और ऊपर नीचे भी इन्फिनिटी, हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। हमें कोशिश ये करनी है कि लिमिट में इन्फिनिटी आंसर ना आए, उसके बाद ज़ीरो ना आए, कोई नंबर आए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करनी होगी, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी होगी। अगर आपको कोई भी डिग्री, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर डिग्री 2 या फिर 2 नज़र आए, तो वो टर्म आपने दोनों टर्म से कॉमन ले लेना है, मतलब ऊपर वाले टर्म से भी कॉमन लेना है और नीचे वाले टर्म से भी कॉमन लेना है। अगर यहाँ पे डिग्री क्यूब होती और यहाँ पे भी क्यूब, मतलब 3 3 होती है, तो फिर हम टी क्यूब कॉमन लेते, मतलब दोनों जगह पे जो कॉमन हो वो हम लेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। मतलब इन्फिनिटी जो टर्म इसको बना रहे थे वो इन्फिनिटी अब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अपान में, अगर हम 1 अपान में इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये आंसर हमारा 0 आता है, और 0 आ गया तो कुछ हमारी जो है इक्वेशन, जो लिमिट है वो किसी नंबर को शो करेगी। तो हम एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू हमारा, अगर हम यहाँ से टी लें कामन, तो हमारा टी स्क्वायर कामन ले लेते हैं, और यहाँ पे प्लस में 2 और यहाँ पे है टी, तो एक टी कॉमन लेंगे तो दूसरा टी इसके अपान में लिख लेंगे, माइनस टी अपान में 2, और यहाँ पे टी है ही नहीं, तो इसमें प्लस 1 अपान में टी स्क्वायर कर देंगे, और अपान में हम लिखेंगे। यहाँ से भी अगर हम कॉमन लें तो ये टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे है ही टी, तो यहाँ पे प्लस 1 है, और प्लस 4 के साथ टी है ही नहीं, तो इसके अपान में टी आ जाएगी, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम टी इस टी से कैंसिल कर लेते हैं, ये टी हमारी टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर से कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बाकी था कि एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू हो गया अब हमारा 2 माइनस में 2 अपान में टी और प्लस में 1 अपान में टी स्क्वायर, और इसके अपान में है 1 प्लस में 4 अपान में t²। अब अगर हम टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड करें, टी टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, अगर दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमें 2 माइनस में 2 अपान में टी और प्लस में 1 अपान में टी स्क्वायर, और अपान में हमारा आ जाएगा 4 अपान में t²। और नाउ अप्लाइंग लिमिट, अब हम अप्लाई लिमिट कर लेते हैं। अप्लाइंग लिमिट के बाद अगर हम अप्लाई लिमिट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 माइनस में 2 अपान में इन्फिनिटी और प्लस में 1 अपान में इन्फिनिटी, और इसके अपान में हमारा हो जाएगा 1 प्लस में 4 अपान में इन्फिनिटी। अब ये टर्म जो है हमारे, ये सब 0 बन जाएंगे। अगर हम इन्फिनिटी, कुछ भी टर्म इन्फिनिटी लिखते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब बाकी जो टर्म होंगे वो कुछ यूँ बन जाएंगे कि ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
कि एफ़ जब इन्फिनिटी पर यह फंक्शन पहुँचेगा तो क्या आंसर होगा, कि हमारा 2 माइनस में 0 प्लस में 0 और अपान में हम लिखेंगे 1 प्लस में 0, और एफ़ इन्फिनिटी तक जब पहुँचेगा तो हमारा 2 अपान में 1, और एफ़ ऑफ इन्फिनिटी या एफ लिमिट जब इसकी पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 आंसर। सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। उसके साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर हम अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म, अंडर रूट ख़त्म, इससे सिर्फ बाहर एक्स आएगा, और अगर क्यूब रूट के अंदर एक्स क्यूब है तो ये क्यूब ख़त्म और क्यूब रूट ख़त्म, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स, मतलब इससे बाहर। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अंडर रूट हमारा जो पावर होता है 1/2 होता है, और जो क्यूब रूट हमारा पावर होता है वो हमारा 1/3 होता है। तो हम आगे इसे हल करते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा, अब ये जो इसके अंदर टर्म है टी स्क्वायर प्लस में 4, इनमें से मैं टी कामन ले लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा और 4/t हो जाएगा। 4/t करने का क्या फ़ायदा है, 4/t² अगर हमारा बन जाएगा तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞² हो जाएगा, और 1/∞ मतलब हो गया 4/∞ हमारा इक्वल होता है, 4/∞ हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो 1 में से अगर 0 जाएगा तो ये अंडर रूट के अंदर मतलब कि हमारा कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा। इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं यहाँ पे कि ऐसा आंसर आए कि कोई फाइनाइट हो, इनफाइनाइट जवाब ना आए। तो यहाँ पे मैं टी कामन लेता हूँ, टी स्क्वायर कामन ले लेता हूँ, तो 1 + 4/t² आ जाएगा, और इसके अपान में हमारा जो क्यूब रूट में आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ से मैं टी क्यूब कामन लूँगा तो ये टी क्यूब मैंने कामन ले लिया, और यहाँ पे 1 + 1/t³ है, और इसे अब हम आगे हल करते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि अगर क्यूब रूट है तो उस क्यूब को ख़त्म कर देगा, इसी तरह यहाँ पे ये क्यूब रूट है तो यहाँ से टी सिर्फ बाहर आएगा और यहाँ से सिर्फ टी बाहर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मैं टी बाहर करके लिख लेता हूँ, तो यहाँ से हमारा ये टी बाहर आ गया, और अंडर रूट के हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 1 + 4/t² और इसके अपान में है हमारा टी, यहाँ से कामन ले आ गया, और इस क्यूब रूट के अंदर है हमारा 1 + 1/t³, और हमारा एफ ऑफ टी अब हो जाएगा एफ ऑफ टी, अगर मैं इस टी से टी को कामन कैंसिल कर लूँ तो ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि अंडर रूट के अंदर है हमारा 1 + 4/t² और इसके अपान में हमारा क्यूब रूट के अंदर जो है 1 + 1/t³ है। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे बोथ साइड। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हम इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ इन्फिनिटी भी हम लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4/∞, और ये हो जाएगा 1 + 1/ इसको क्यूब दे देते हैं और इसको स्क्वायर दे, ये अंडर रूट के अंदर 1 आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर 1 आ जाएगा, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी हमारा क्या आंसर आएगा 1। 16 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ ऑफ टी टी स्क्वायर प्लस में 1/t + 1 है, इसे अब हम कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन, पहले तो कोई हल जैसे हमारा कोई आंसर इन्फिनिटी ना है ऐसी कंडीशन बनाए, तो यहाँ पे अंडर रूट में एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस में 1/t
प्लस में वन, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा, यहाँ पे अगर टी का मान ले लूँ तो यहाँ पे वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर बन जाएगा, और इसके अपान में हमारा टी अगर मैं इससे भी कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो यहाँ पे वन प्लस में वन अपान में टी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है और ये रेडिकल साइन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये टी जब इससे बाहर आएगा तो सिंगल टी आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टी कॉमन ले लिया मतलब बाहर करके रख लिया, और वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर, और इसके अपान में हम लिख लेते हैं टी वन प्लस में वन अपान में टी। इस ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल टी कैंसिल, तो हमारे पास अब बाकी रहेगा एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू है अंडर रूट के अंदर में वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर, और उसके अपान में है वन प्लस में वन अपान में टी। नाउ टेकिंग लिमिट एज गिवन, जैसे कि गिवन है दोनों तरफ हमने ये लिमिट जो है अप्लाई करनी है, बोथ साइड, यहाँ पे मैं बोथ साइड लिख लेता हूँ। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल हो जाएगा हमारा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर, और इसके अपान में वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट करते हैं तो हमारा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट के वन प्लस में वन अपान में इन्फिनिटी, खैर इन्फिनिटी स्क्वायर भी हम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से स्क्वायर है, और उसके बाद में वन प्लस में वन अपान में इन्फिनिटी, देयर फॉर वन अपान में इन्फिनिटी हमारा ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वन प्लस में ज़ीरो अपान में वन प्लस में ज़ीरो। तो लिमिट एफ ऑफ टी टी टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल हमारा बन जाएगा अंडर रूट में वन अपान में वन, जो कि हमारा इक्वल बन सकता है वन अपान में वन, जो कि हमारा इक्वल बन सकता है वन के, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 है कि एफ ऑफ टी टी अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस में वन माइनस में टी है, इसे अब हम लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करके हल करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो यहाँ से यहाँ ही इन्फिनिटीज़ के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी से कैसे बचें, इसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से टी कॉमन ले लूँ या कुछ भी करूँ फिर भी मेरे ये टी कुछ का मतलब कुछ भी ना हो, तो हम रेशनलाइज करके देखते हैं। ये जो टर्म है टी स्क्वायर प्लस में वन माइनस में टी, इससे हम रेशनलाइज करते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। अगर उससे हल हो जाता है तो सही है, अगर उससे भी आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है तो फिर कोई दूसरा तरीका सोचेंगे। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ बाय रेशनलाइजेशन, इसके साथ मतलब इसके वन नीचे लिख लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस वाला टर्म इसके साथ रेशनलाइज करेंगे, जैसे कि हमारा कोई फार्मूला बन जाए। तो ऊपर वाला टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास ए माइनस बी और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ए माइन प्लस बी, तो ये हमारा इक्वल बन जाता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये हमारा बी है और यहाँ पे हमारा ये बी है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए है, यहाँ पे ए है, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इस टर्म को मतलब कम करने की कोशिश करेंगे। तो एफ ऑफ टी यहाँ पर टी मैं लिख लेता हूँ बाहर,
और अंडर रूट में लिख लेता हूँ मैं टी स्क्वायर प्लस में वन, और इसका कर देता हूँ होल स्क्वायर, और माइनस में टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, और अपान में लिख लेता हूँ मैं अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस में वन और प्लस में टी। और जब हम इसे आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, और ये साइन जो आपका रेडिकल साइन और ये स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस में वन और माइनस में टी स्क्वायर, और इसके अपान में हमारा रहेगा टी स्क्वायर प्लस में वन और ये प्लस में टी। और जब मैं भला इसे आगे यहाँ पे हल कर लेता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा जगह टी और टी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे वन रहे बाकी रहेगा, और इज इक्वल टू में हम लिखें टी स्क्वायर प्लस में वन और प्लस में टी, और अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा टी अपान में अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस में वन और प्लस में टी। अब नीचे जो टर्म है यहाँ से टी में कामन ले सकता हूँ, और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी अपान में, अब अंडर रूट के अंदर मैं टी स्क्वायर कामन लेता हूँ, यहाँ पे वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस में मैं टी लिख लेता हूँ, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी अपान में। अब मैं इस रेडिकल साइन से भी अंडर रूट ये जो टी स्क्वायर है बाहर ले लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पे टी सिर्फ बाहर टी आएगा क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर और प्लस में टी। अब यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ से भी मैं टी का मान ले सकता हूँ, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी अपान में टी, और कॉमन आ गया हमारा वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर और प्लस में वन अपान में टी, सॉरी यहाँ पे वन आ जाएगा क्योंकि टी तो मौजूद था यहाँ पे, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी टी से कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास बाकी वन अपान में अंडर रूट में वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर और प्लस में वन। नाउ टेकिंग लिमिट एज गिवन, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी करता है, तो वही लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड करेंगे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और वन अपान में अंडर रूट में वन प्लस में वन अपान में टी स्क्वायर और प्लस में वन। अब हम क्या करते हैं कि अप्लाइंग लिमिट कर लेते हैं, नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट जब अप्लाई हो जाएगी तो टी टेंस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ टी यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ अप्लाई करने की नीड नहीं है, हमें आगे आंसर निकालने की नीड है, तो यह हो जाएगा वन अपान में वन और वन प्लस में वन अपान में इन्फिनिटी और प्लस में वन, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन अपान में अंडर रूट में वन प्लस में ज़ीरो प्लस में वन, और जब इसे आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा वन अपान में अंडर रूट में वन, अंडर रूट में लिखते हैं मतलब जो भी है अंडर रूट वन का अंडर रूट वन ही होता है, और वन प्लस में वन क्योंकि ज़ीरो इसके साथ प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस में वन वन हम लिख देंगे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान में टू, ये हो गया हमारा आंसर।